नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ का टॉपिक है लॉगरिदम्स। वैसे तो ये टेक्निकल का चैप्टर है लॉगरिदम्स, बट आजकल जो कंपटीशन में लॉगरिदम्स से क्वेश्चंस बेसिक पूछे जाते हैं, हम वो बेसिक क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। लॉगरिदम्स हमारा चैप्टर होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। इसका मतलब ये है कि बेकार सी घटिया टाइप की जो गणनाएँ होती है, उनको लॉगरिदम्स की हेल्प से हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो लॉगरिदम का मतलब है लघुगणक। अगर मैं बोलूं कि 729 का क्यूब रूट क्या होता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसका क्या होगा, 9। अगर मैं बोलूं कि 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं 10। उसी प्रकार हम अगर 16 का रूट बताएं तो क्या होगा, 4। परंतु अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 1/9, तो हम इजीली नहीं बता सकते। अगर मैं बोलूं कि 5 की पावर 1/5, तो हम आसानी से नहीं बता सकते। परंतु अगर मैं बोलूं 4 की पावर 1/2 यानी कि रूट, तो क्या होगा भाई, 2। हम इजीली बता सकते हैं। परंतु जैसे ये 2 की पावर 1/9, 5 की पावर 1/5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, तो इनको हम लॉगरिदम की हेल्प से कैसे सोल्व करेंगे, वह हम आगे डिस्कस करेंगे। परंतु जैसे ये सोल्व करनी है, तो उसके लिए हमें एक लॉग टेबल होती है, उसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। परंतु कंपटीशन के एग्ज़ाम में लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, ये टेक्निकल के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे लॉगरिदम्स टेबल प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ पे हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। परंतु बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं लॉगरिदम्स के, यानी कि लघुगणक से, तो हम वो आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से। तो बेसिक क्या है लॉगरिदम्स, यानी कि हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लें। मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ n 36 को मैं दो फॉर्म में लिखता हूँ। एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि घातीय रूप, और दूसरा है लॉगरिदम, यानी कि लघुगणक। अगर मैं 36 नंबर है ये मेरा कोई n पॉजिटिव रियल नंबर, इसको एक्सपोनेंशियल यानी कि घातीय रूप में, घात में कैसे लिखेंगे, 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2। ये 36 क्या है मेरे पास, ये 36 मेरे पास एक नंबर है, 36 मेरे पास क्या है, एक संख्या है। और ये 6 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है बेस यानी कि आधार। और ये 2 क्या है भाई, यह इंडेक्स, या हम बोल सकते हैं इसको पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति। यानी 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 6 की पावर 2। तो ये क्या है बेस यानी कि आधार, और ये क्या है हमारा इंडेक्स यानी कि पावर, 2 क्या है हमारे पास, शक्ति। ये तो क्या है घातीय रूप में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, परंतु हम बात कर रहे हैं लॉगरिदम यानी कि लघुगणक में कैसे लिखेंगे इसको। अब देखो 36 को मैं लॉग के फॉर्म में लिखूंगा, लॉग बेस 6 जो मेरा आधार है, और यहाँ पे मेरा नंबर कितना 36, और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं 6 की पावर क्या रेज करूँ, यानी कि 6 की पावर मैं कितने बढ़ाऊँ कि मेरा नंबर 36 हो जाए, तो कितने बढ़ाएंगे, 2। तो जो 2 है ये क्या है भाई, ये हमारा है पावर यानी कि शक्ति, और ये 36 वही हमारे पास क्या, नंबर यानी कि संख्या, और ये 6 क्या है, ये हमारे पास वही जो एक्सपोनेंशियल में किया था बेस यानी कि आधार। यानी क्वेश्चन कैसे आएगा कि लॉग, क्वेश्चन ऐसे पुट अप करेगा, लॉग 36 बेस 2 6 इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि मैं 6 की पावर कितनी रेज करूं, यानी कि 6 की पावर कितनी बढ़ाऊं कि मेरा 36 संख्या बन जाए। 36 संख्या बनाने के लिए 6 की पावर कितनी करेंगे, तो 6 की पावर कितनी करेंगे, 2। तो वही बात यहां पे हमने क्या किया था, 36 की पावर ये था घातीय फॉर्म में यानी कि 6 की पावर 2, और लॉगरिदम में लॉग 36 टू द बेस 6, तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या रखें यहाँ पे, कि वो 6 की पावर मैं कितनी बढ़ाऊं कि मेरा
जो संख्या है वो 36 बन जाए तो कितने बढ़ाऊंगा, 2। अब जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ भाई, यहाँ पे n नंबर ले लेता हूँ, कोई भी संख्या मान लीजिए हम 25 लेते हैं, log 25 टू द बेस 5, तो यहाँ पे कितना होगा, तो हमें क्या देखना है, 5 की पावर मैं कितनी रेज करूँ भाई, कि 5 की पावर हम कितने बढ़ाएं कि मेरा 25 बन जाए, तो 5 की पावर कितने बढ़ाएंगे, यानी कि 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 यहाँ पे हमारा 2 एक्सपोनेंट, यानी कि पावर क्या होगी, 2। तो अगर मैं 5 की पावर 2 लिखूँ तो 25 आ गया, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि log a कोई n नेचुरल नंबर तो इज इक्वल टू किसके बराबर, x के बराबर, इम्प्लाइज दैट, यानी कि अब यहाँ पे log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, यानी कि हम लिख सकते हैं तो n ये संख्या किसके बराबर होगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमने 6 की पावर 2 किया तो 36 आ गया था, 5 की पावर 2 किया तो 25 आ गया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो a की पावर, यानी कि n इज इक्वल टू a की पावर x, n इज इक्वल टू a की पावर x, बट इसके साथ कंडीशन होगी, यानी कि लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए हमें ये चीज़ बतानी होगी, साथ में ये कंडीशन रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि हमारे पास जो n है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से, n ग्रेटर देन 0, और जो हमारा बेस है यानी कि आधार है a वो ग्रेटर देन 0, और a जो बेस है वो नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें कमेंट किस किस के ऊपर करना है, बेस और नंबर के ऊपर, यानी कि संख्या और आधार के ऊपर हम कमेंट करेंगे, यानी कि n ग्रेटर देन होना चाहिए 0, a ग्रेटर देन होना चाहिए 0, और a नॉट इज इक्वल टू 0। इसके बारे में हम एग्जांपल में बात करेंगे तब अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए, क्यों नहीं लेंगे तो हम आगे एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे log रूट टू और नंबर दे दिया यहाँ पे 2 इज इक्वल टू, यानी कि log 2 टू द बेस रूट टू, तो यहाँ पे आंसर क्या है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बेस में क्या है, बेस में है रूट टू, तो रूट टू की कितनी पावर रेज करूँ, यानी कि रूट टू की कितनी पावर करें, कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि मेरा नंबर बन जाए, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो सिंपल भाई कि रूट टू की हम 2 बार गुणा कर दें तो क्या बन जाता है, 2, यानी कि इसकी पावर हम 2 कर दें, और पावर कहाँ पे लिखी जाएगी, यहाँ पे। अच्छा सर, में क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन ये था डिक्टो log 2 और यहाँ पे नंबर 8 और इज इक्वल टू, ऑप्शन कोई भी हो सकता है, 3 और डी, इनमें से कोई नहीं, तो सीधी सी बात है, बेस क्या है, 2 नंबर 8, तो कितनी पावर रेज करूँ, कितनी पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ तो 2 की पावर 3 कितना, 8। अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि log 2 और यहाँ पे नंबर की कोई वैल्यू पूछ ले और इज इक्वल टू यहाँ पे 4 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 की पावर 4 वो यहाँ पे कोई नंबर होगा, तो 2 की पावर 4 कितने, 16, यानी कि 16, तो हमारा उस टाइम पे आंसर क्या होगा, 16। या फिर ये टर्म देके हमारे से ये पूछ सकता है, तो फिर हम यहाँ पे बता सकते हैं कि बेस की पावर मैं कितनी बढ़ाऊँ कि मेरा 16 बन जाए, तो कितने बढ़ाएंगे, 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा भाई, 16, तो 4 क्या होगा हमारे पास उस टाइम पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है log 343 टू द बेस 7 इज इक्वल टू, तो हमें दिखाई दे रहा भाई 7 की पावर मैं कितने रेज करूँ कि मेरा 343 बन जाए, तो 7 की पावर कितना, 3, यानी कि 7 की पावर 3 करूँगा तो कितना होगा मेरा 343, तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन log, अब मैं रूट की फॉर्म में लूँ कि log 3 और यहाँ पे 9 इंटू रूट 3, कि 3 की पावर में कितनी रेज करूँ, 3 की पावर में कितनी राइज करूँ कि मेरा 9 रूट 3 बन जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे 9 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू, इस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 बाई 2, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 2 प्लस में यानी कि 3 की पावर 2 प्लस 1 बाई 2, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 बाई 2, तो log 3
तो 3 की पावर कितना, 5y, 3, तो यही क्या होगा हमारा एक्सपोनेंट होगा, यानी कि शक्ति होगी पावर। तो 3 की पावर कितनी राइज की, 5y3, अगर मैं 3 की पावर 5y3 राइज करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 9 into root 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, लॉग लॉग 5 बेस और 1/√5 तो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसमें देखिए भाई क्या होगा आंसर, अब लॉग 5 टू द बेस 5, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 1/2, तो हम अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या होगा, 5 की पावर -1/2, तो पावर कितनी राइज की, -1/2, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, लॉग √3 to the base 3 आंसर क्या होगा, तो यहां भी इसका मतलब क्या है, लॉग बेस में 3, इसको हम लिख सकते हैं, ये इंटू में नहीं है भाई, ये हम इसको लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट में है 3 की पावर 1/3, यानी कि हमने कितनी पावर रेज की, 1/3, तो आंसर क्या होगा हमारा, 1/3, यानी कि हमें जो यहाँ पे बेस में है वो यहाँ पे सेम करना, और जो पावर बचेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बेस में 4/3 और इंटू कोई नंबर है 4/3, तो इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4/3 की पावर मैं कितनी बढ़ाऊं या कितने रखूं कि मेरा 4/3 रह जाए, तो सो सिंपल भाई कि 4/3 की पावर मैं कितनी रखूंगा, 1, तो ये तो सेम ही है, अगर सेम है तो आंसर क्या होगा, 1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लॉग, यहाँ पे कोई n नंबर है और यहाँ पे भी सेम नंबर, तो उसका आंसर हमें डायरेक्ट क्या देना है, 1, ये हमें याद रखना है भाई। अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे ऐसे होता लॉग 3/4 और यहाँ पे होता 4/3, तो ये क्या हो जाता, -1, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं लॉग n और यहाँ पे 1/n, या फिर लॉग 1/n और यहाँ पे कोई n, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, -1। नेक्स्ट है, अगर लॉग की पावर, सॉरी लॉग 1/2 पाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, यानी कि पाई की मैं कितनी पावर रेज करूं कि मेरा 1 आ जाए, ये तो हम करते थे कि पाई की जो यहाँ पे पाई है इसकी पावर मैं कितनी राइज करूं कि मेरा 1 बन जाए, तो पाई की किसी का कोई भी नंबर हो, यहाँ पे पाई हो या फिर 10, 15 एनीथिंग, तो पाई की पावर अगर मैं 0 रखूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे n की जगह कोई भी नंबर ना हो कि केवल 1 है, तो हम आंसर क्या देंगे, 0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होगी, 1, अगर n नंबर की जगह हमारा 1 आता है तो हम आंसर क्या देंगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लॉग 1 और यहाँ पे बेस में 12, तो आंसर क्या होगा, तो 12 की पावर हम क्या रखें कि हमारा 1 बन जाए, तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग -4 और बेस में है 2, अब यहाँ पे 2 की पावर मैं कितने रेज करूँ कि -4 बन जाए, हम कर सकते हैं भाई कि 2 की पावर मैं कितने रेज करूँ कि मेरा -4 बन जाए, तो हम कभी भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 2 की पावर हम बढ़ा ही नहीं सकते कि वो माइनस में चले जाए, क्योंकि ये टर्म क्या है, माइनस में है, और ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ पे इस तरह कंडीशन में, यानी कि हमने क्या लिखा था भाई, यहाँ पे स्टार्टिंग में कंडीशन में n ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, ये तो 0 से छोटा है, तो यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए क्या भाई, कोई भी नंबर या कोई भी संख्या, तो हम इसको नॉट डिफाइन करेंगे, तो लॉग 5 to the base 1, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि लॉग 5 और बेस में क्या भाई 1, तो 1 की पावर मैं कितनी बढ़ाऊं कि मेरा 5 बन जाए, तो 1 की पावर मैं 1 बढ़ा दूं, वो भी आंसर होगा, 1 की पावर मैं 2 करूं, होगा आंसर, नहीं होगा, इसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करूं तो हमेशा क्या देगा, 1 की पावर यहां पे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो,
तो वो हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। तो पाँच तो कभी भी नहीं आएगा, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ले कि लॉग जीरो और यहाँ बेस में क्या है भाई, वन बाई टू। तो वन बाई टू की पावर मैं कितनी राइज करूँ कि मेरा जीरो बन जाए, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा क्या था भाई कि एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो लिया तब भी नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे कम लिया तो नॉट डिफाइंड, यानी कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। और एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बेस में लॉग बेस में जीरो और यहाँ पे फाइव लेता हूँ, तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। और एक प्रॉपर्टीज क्या थी कि एक्स ग्रेटर देन, सॉरी एक्स नॉट इज इक्वल टू वन, एक्स नॉट इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे हमने क्या किया था भाई, एक एग्जांपल लिया था कि लॉग फाइव टू द बेस वन, तो हमने क्या किया था भाई कि एक की पावर कितनी मैं राइज करूँ कि मेरा पाँच बन जाए, तो ये डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक की पावर तो कुछ भी करे तो हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा, तो पाँच तो कभी भी नहीं आएगा। यानी कि हम जो यहाँ पे बेस है एक्स उसको नॉट इक्वल टू रखेंगे एक के, यानी कि जीरो से जब बड़ा होना चाहिए और एक कभी भी नहीं ले सकते। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन थे लॉगरिथम्स के कुछ, बाकी ये फर्स्ट पार्ट था लॉगरिथम्स का दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट लॉगरिथम्स पे रिलेटेड हम जल्द से लेके आएंगे, तो तब तक बने रहिए। उड़ान कैंपस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको शेयर करते रहिए, कमेंट करिए कि और किस टॉपिक पर आपको कॉन्टेंट चाहिए, अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट देने की प्रोवाइड करेंगे भाई। तो थैंक यू क्लासेस, जय हिंद जय भारत।